कई बार ऐसा होता है कि अच्छी खासी दुकान चलते चलते फेल हो जाती है, तो कभी कभी दुकान खोले एक तो महीना हो जाता है लेकिन आपकी दुकान जम नहीं पाती। कई लोग दुकान की लोकेशन को दोष देते हैं तो कोई महंगाई को। क्या कभी आपने ये सोचा है कि दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे तो इसका कोई और कारण भी हो सकता है। किराना स्टोर की सफलता के लिए बेहद आवश्यक है कि आप इसे ढंग से चलाएं। दुकान तरीके से चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको इस व्यापार में क्या करना है और क्या नहीं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एक सफल किराना शॉप बनाने के लिए किराना दुकानदार को क्या नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा ना करें। कई किराना स्टोर मालिक कभी लड़ाकू टाइप होते हैं। उनकी दुकान भले ही अच्छी हो लेकिन ग्राहकों से छोटी छोटी बातों पर चिक-चिक करते हैं। अगर आप मार्केट में एक अच्छी दुकान स्थापित करना चाहते हैं तो ग्राहकों से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। अगर करते हैं इससे आपकी मार्केट वैल्यू डाउन होगी। चेहरे पर गुस्सा नहीं, स्माइल रखें। कई बार किराना स्टोर ओनर के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है, वो ये भी नहीं देखते हैं कि इससे ग्राहकों पर क्या फर्क पड़ेगा। दुकान का अच्छा प्रभाव डालना है तो चेहरे पर मुस्कान डालने की आदत डालें। बहुत ज्यादा सामान ना भरें। सामान भरने से पहले अपनी दुकान का साइज जांच लें। अगर दुकान बड़ी नहीं है तो जरूरत से अधिक सामान ना भरें। इससे दुकान काफी भरी भरी दिखाई देगी। इस तरह से आपको सामान ढूंढने में भी दिक्कत होगी। दुकान जितनी छोटी होगी उतनी ही चलेगी। ग्राहकों को निराश ना करें। कई बार दुकान पर जरूरत का सामान ना मिलने से ग्राहक वहां से निराश होकर वापस आ जाते हैं। कोशिश करें कि आपके यहां आने वाले कस्टमर्स निराश होकर ना लौटें। अगर उस टाइम आपके कस्टमर की पसंद का सामान नहीं है तो आप उसे अगले दिन भी लाकर देने का वादा कर सकते हैं। इससे आपके कस्टमर कहीं और ना जाकर आपके पास ही रहेंगे। ज्योतिषी पर अंधविश्वास ना करें। कई बार दुकान चलाने के दुकानदार ज्योतिषियों के कहने पर आ जाते हैं। भूलकर भी किसी ज्योतिषी पर आंख मूंद कर यकीन ना करें। कई बार कुछ अच्छा करने के चक्कर में उल्टा हो जाता है, इसलिए जितना हो सके खुद की मेहनत पर यकीन करें, ना किसी ज्योतिषी पर। अनजान लोगों को उधारी ना दें। देखिए, बिना क्रेडिट के कोई व्यापार नहीं चलता है, लेकिन याद रहे कि क्रेडिट की सुविधा अपने जानकारों को दें। कई बार दुकानदार अनजान लोगों को क्रेडिट की सुविधा दे देते हैं, इसके बाद वो लोग पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जाने माने लोगों को ही क्रेडिट की सुविधा देनी चाहिए। दुकान अकेली छोड़कर ना जाएं। कई बार हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वो दुकान खाली पड़ी होती है। दुकानदार ऐसे ही अकेला दुकान छोड़कर चला जाता है। दुकान को अकेला छोड़ने की गलती ना करें, इससे सामान चोरी होने का खतरा रहता है। दुकान से बाहर निकलने से पहले किसी एक इंसान को वहां रख कर जाएं। पैसे बाद में नहीं, पहले लेने हैं। कई दुकानदार सामान देने के बाद पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, इससे सिर्फ आपको ही नुकसान होगा। ग्राहकों को सामान देने से पहले उनसे पैसे लेने की आदत डालें। कई बार ग्राहक ये बोलकर खिसक लेते हैं कि उन्होंने तो पहले ही पैसे दे दिए हैं। ऐसे में दुकानदार को नुकसान उठाना पड़ जाता है। इस नुकसान से बचने का तरीका है कि सामान देने से पहले पैसे लें और मुनाफे में रहें। अगर कोई दुकानदार दुकान चलाने के लिए इन नियमों का ध्यान में रखता है तो वो कभी घाटे में नहीं जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस चलाने से आपका फायदा जरूर होगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।